तो गाइस आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर टावर की मॉडलिंग हम स्टेट प्रो में कैसे करें। देखिए हमारे पास एक 2D ड्राइंग है, इसे हमें स्टेट में 3D बनाना है। देखिए देखिए आप देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर टावर है जिसकी हाइट 30 मीटर है और ईच पैनल 5 मीटर लेंथ है। उसकी बेस की 6 मीटर है एंड इसके जो हैंड्स हैं उसकी लेंथ 5 मीटर है। हम इन डायमेंशंस को यूज़ करके एक ऐसा 3D मॉडल बड़े आसानी तरीके से हम स्टेट प्रो में बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेट प्रो को ऑन कीजिए। हम यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट करते हैं स्पेस एंड यहाँ मेकर टावर यूनिट्स वही हम मीटर और किलोमीटर रखेंगे। एड बीम हम रहने देंगे एंड फिनिशिंग कर देंगे। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि हमें 6 मीटर का बेस चाहिए, दिस बेस वी वांट 6 मीटर। तो ट्रांसमिशन टावर की मॉडलिंग करने का सबसे अच्छा और सबसे ईजी तरीका यही है कि हम बेस से स्टार्ट करें। तो हम सबसे पहले ये देखिए, इधर एक 6 मीटर का स्क्वायर बेस है, तो हम बेस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे जिसकी विड्थ होगी 6 मीटर। देखिए आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्रिड पैनल है जो 10x10 मीटर का है, जो डिवाइडेड ईच पैनल इज 1 मीटर। हम इसी से बना सकते हैं बड़े इजी तरीके से। हम यहाँ एडिट में जाएंगे, ये जो राइट साइड में एडिट है इस ग्रिड का, और इसको हम लेंगे एक्स और जेड पैनल बेस के लिए एंड ओके। देन वी क्लिक ऑन 0, देन 6, आफ्टर दैट 6 एंड देन 6 एंड रिटर्न टू 0 एंड क्लोज द ग्रिड। देखिए बड़े आसानी तरीके से हमें एक 6 मीटर स्क्वायर का पैनल मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस पैनल के सेंटर में एक नोट चाहिए, इस नोट को बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक मेंबर बनाएंगे डायगोनल एंड देन वी इंसर्ट ए नोट बिटवीन दिस डायगोनल मेंबर ओके। अब हम क्या करेंगे, इस नोट को सिलेक्ट कर हम इसको ट्रांसफर करेंगे अप टू 30 मीटर। सेलेक्ट द नोड, क्लिक ऑन दिस, रिपीट टास्क, रिपीट टूल, क्लिक ऑन वाई एक्सिस एंड देन क्लिक हियर 30 मीटर, डोंट क्लिक ऑन लिंक स्टेप ओके, विदाउट लिंक स्टेप क्लिक ओके। हियर यू सी द नोड इज ऑल्सो मेक ऑन 30। फिर हम इस मेंबर को जो हमने पहले बनाया था उसको डिलीट कर देंगे और फिर हम यहाँ से मेंबर बनाएंगे यहाँ तक। आफ्टर दिस वी डिलीट दिस मेंबर बिकॉज यू सी इन द पिक्चर देयर इज नो मेंबर हियर, सो वी डिलीट दिस मेंबर। हम इस मेंबर को डिलीट कर देंगे और हम इन सभी मेंबर को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द ऑल मेंबर बाय कंट्रोल ए एंड राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट नोड एंड क्लिक ऐड एन पॉइंट्स एंड मेक 5 नोड्स। आप इस पिक्चर्स में देखिए कि इस लाइन में, इस मेंबर में, पूरे मेंबर में जो 30 मीटर का मेंबर है इसके बीच में कितने नोड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स वाई वी मेक 5 नोट्स ओके। इसीलिए हम 5 नोट बनाएंगे और हमने राइट क्लिक किया, इंसर्ट नोड एट एंड पॉइंट, हम क्लिक वी प्रोवाइड 5 एंड ओके। हियर यू सी मेक इजली 5 नोट्स। अब हम बनाएंगे ये ब्रेसेस, हाउ वी कैन मेक दिस, इट्स वेरी इजी। क्लिक ऑन द टॉप व्यू एंड सेलेक्ट
दीज टू मेंबर्स एंड राइट क्लिक गो न्यू मेंबर, न्यू व्यू में जाएंगे हम, देन ओके, देन गो ऑन द लेफ्ट व्यू और हम एड बीम से ये ब्रशेस बना देंगे। We make this braces by the tool of add beam very easy and quickly, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी तरीके से हमने नोट्स बना दिए हैं। Now we click on this tool use वो display whole structure, we अब हम इस पर हम क्लिक करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर आएगा। Then we go on top view, again we select these two member एंड गो ऑन राइट न्यू व्यू, न्यू व्यू में जाएंगे और लेफ्ट व्यू एंड देन वी मेक द ब्रशेस बाय द ऐड टूल और ऐड टूल से हम ये ब्रशेस बना देंगे। ओके देन वी गो होल स्ट्रक्चर, हम पूरे स्ट्रक्चर पे जाएंगे। नाउ व्हाट हैपन, अब हमें फ्रंट और बैक के मेंबर को सिलेक्ट करना है तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ी डिफिकल्टी आती है। देर इज सम डिफिकल्टी व्हेन वी गो ऑन टॉप व्यू एंड वी सिलेक्ट ऑन दिस मेंबर नॉट इजली सिलेक्ट, ये मेंबर आसानी से सिलेक्ट नहीं होते बिकॉज ये मेंबर भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आप इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, इट्स वेरी इजी, होल स्ट्रक्चर में जाइए और आप अपने एरो की से इसे मूव कीजिए, ये देखिए ऐसे मूव, जैसे ये हो जाए लाइक दैट आपको ऐसे करना है। फिर रोटेशन टूल देख रहे हैं आप, ये उसको थोड़ा सा रोटेट कीजिए, यदि ये सीधी लाइन हो गई आप आसानी से इसे ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं। यू सेलेक्ट वेरी इजली बाय द ड्रैगिंग लाइक दैट। अब आप न्यू व्यू में जाइए एंड यू मेक इजली ब्रशेस बाय द ऐड टूल, व्यू ऐड टूल। ओके देन गो ऑन होल स्ट्रक्चर पे जाएंगे हम और फिर हम इसको एरो की से मूव करेंगे और अब हमें लेफ्ट साइड का पोर्शन सेलेक्ट करना है। बाय ड्रैगिंग, इट्स वेरी इजी ना, ये बहुत आसान है। राइट क्लिक डिस्प्ले एंड देन फिर ब्रशेस। कंप्लीट गो ऑन होल स्ट्रक्चर, अब हमारा लगभग टावर कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिए केवल हमारे पास हमारे रह गए हैं दिस हैंड्स। इन हैंड्स को बनाने का बड़ा अच्छा तरीका कि हम एक हैंड को बनाएं एंड फिर हम उसको कॉपी कर दें लेफ्ट साइड। वी मेक ओनली वन हैंड देन वी सेकेंड हैंड मेक बाय द कॉपी ऑफ दिस। हाउ वी कैन मेक दिस हैंड, it's very easy, go in this tool, we make here this hand, so you select this, hame yahan par ye hand banaya to hum is member ko select kijiye, new view pe jaiye and perspective view, now you click here, yahan pe mid mein insert pe node banaiye mid point pe, is node ko aap select kijiye और इसको ट्रांसफ़र कीजिए इन जेड डायरेक्ट एक्स डायरेक्शन माइनस 5 मीटर बिकॉज हमारे हैंड की लेंथ 5 मीटर है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है तो हम ये करेंगे एंड
ओके, नाउ यू मेक द मेंबर्स बाय द बीम में ऐड बीम टूल। ऐड बीम टूल से हम फिर मेंबर बनाएंगे। ये नोड जो हमने बनाया था मिड में, केवल हमने इस नोड को बनाने के लिए नोड बनाया था, तो अब हम इसको हटा देंगे। अब इसको कैसे हटाएंगे हम, आप चाहिए ज्योमेट्री में, यू गो ऑन ज्योमेट्री एंड फर्स्ट यू सेलेक्ट दिस मेंबर, गो ऑन ज्योमेट्री एंड मर्ज सेलेक्टेड नोड बीम। हियर यू सी, नाउ आप इमेज में देखेंगे अब हमको ये मेंबर बनाना है। इट्स वेरी इजी टू मेक दिस मेंबर, यू सेलेक्ट दिस टू मेंबर एंड राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन इंसर्ट नोड एंड ऐड बीम एट अ मिड एंड ओके। हमने इन ये जो इंक्लाइंड मेंबर आप देख रहे हैं, वी मेक इंक्लाइंड मेंबर, वी मेक अ सेंटर नोड इन द इंक्लाइंड मेंबर। नाउ यू होल्ड द क्लिक ऑन द ऐड बीम, यू हियर सेलेक्ट ऑप्शन द टी टाइप सिंबल, दिस इज परपेंडिकुलर बीम, क्लिक हियर एंड क्लिक परपेंडिकुलर बीम एंड यहाँ क्लिक है, दिस मेक इजली परपेंडिकुलर बीम। अगेन यू होल्ड, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐड बीम एंड यू मेक दिस मेंबर, फॉर दिस मेंबर। हमारा हैंड कंप्लीट होता है, ऑलमोस्ट आर हैंड इज कंप्लीट विथ आवर हैंड। नाउ गो ऑन द होल स्ट्रक्चर, यू सॉ हियर द ऑलमोस्ट कंप्लीट। नाउ वी मेक द नेक्स्ट, नेक्स्ट हैंड बनाने के लिए आपको चेक करना होगा कि इस मेंबर की लेंथ कितनी है। यू चेक द लेंथ ऑफ दिस मेंबर, इस मेंबर की लेंथ चेक कीजिए, दिस इज 3 मीटर। आपको अब इस हैंड को सेलेक्ट करना है, देन यू क्लिक ऑन दिस सिंबल, द मिरर जनरेशन सिंबल, नोड ऑन प्लेन सेक्शन, यू क्लिक द नोड बेस पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू मिरर। जिस ऑब्जेक्ट को आप मिरर करना चाहते हो उसका एक पॉइंट, बेस पॉइंट चाहिए, हम इसका बेस पॉइंट ये ले लेते हैं। अब हमको ये मिरर बनाना है यहाँ से यहाँ पे, इसमें 3 मीटर पे, तो हमको यहाँ पे 3 मीटर डालना पड़ेगा। वी वॉन्ट टू मेक दिस ऑब्जेक्ट मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, सो वी पुट हियर 3 मीटर एंड क्लिक ऑन कॉपी, इफ मूव देयर मूव एंड कॉपी एंड कॉपी एंड दिस कॉपी, द हैंड इज कंप्लीट। नाउ योर टावर इज कंप्लीट। After this modeling, you apply the material loads and design the tower. We design this tower the next lecture. This lecture only we make the modeling. Also, we provide the support, create support, fix support. Click on support and assign by the cursor. And click here, this. This is our इलेक्ट्रिकल टावर। थैंक यू। कोई भी इंक्वायरी, आप कुछ भी जानना चाहते हो, कोई भी आप मॉडलिंग जानना चाहते हो कैसे बनेगी, या कोई भी टूल या कुछ भी स्टेट प्रो के बारे में आप जानना चाहते हो, ट्यूटोरियल जानना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट एंड वी कांटेक्ट यू। आपसे मैं कांटेक्ट करूँगा और आपको बताऊँगा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, अपना ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं वहाँ पे, मैं आपको ईमेल के थ्रू सॉल्यूशन उस प्रो आपकी प्रॉब्लम का दे सकता हूँ। आई गिव यू सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम बाय ईमेल आईडी, प्लीज़ put your email ID in the comment and subscribe my channel. Thank you everybody.